तो हम लोग फर्स्ट पार्ट जो अभी हमने दिया था एलटी ग्रेड का सॉल्यूशंस पेपर, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिया था, बहुत सारे बाकी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो वाकई में रियल में इंजीनियरिंग लेवल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ पर भी 10+2 लेवल की मैथ्स आती है, हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन लेते हैं हम लोग डोमेन का, मतलब रियल में इंपॉर्टेंट है ये, कैसे सॉल्व करेंगे इसका, डोमेन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस डोमेन के इस क्वेश्चन के सारे हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं, सीखेंगे कि डोमेन कैसे निकाला जा सकता है फंक्शन का, ठीक। बेसिकली डोमेन का मतलब होता है कि एक्स की क्या वैल्यूज रखी जाएँ जो फंक्शन एग्जिस्ट करे। तो सबसे पहली बात है रैशनल फंक्शन, जो भी फंक्शन रैशनल फंक्शन होते हैं, मतलब कोई एच एक्स फंक्शन है वो दो फंक्शंस के रेशियो से बना है, तो हम हमेशा ध्यान रखें कि फंक्शन का डिनोमिनेटर जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, फैक्टर करेंगे एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस टू और माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर इस फंक्शन में अगर माइनस टू डालते हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये फंक्शन डिफाइंड वैल्यू या नोन वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। समथिंग अपॉन ज़ीरो अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए हम माइनस टू और माइनस वन फंक्शन में नहीं रखेंगे, मतलब ये डोमेन में नहीं जाने वाले हैं, इन पर एक्स इन एक्स के लिए फंक्शन काम नहीं करने वाला है, ठीक है, इनको हटाने वाले हैं। अब हम लोग लॉग के लिए ले रहे हैं, जो ऊपर की बात आ रही है, लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री बेस टू। देखा जाए लॉग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, लॉग की प्रॉपर्टीज जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिकली हम लॉग के लिए बात करेंगे, लॉग ऑफ एक्स बेस ए, लॉग ऑफ एक्स बेस ए, तो यहाँ पर एक्स और बेस की दोनों की बात कर रहे हैं। हमेशा एक्स ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव पहली बात, और दूसरी बात बेस पे भी एक कंडीशन अप्लाई होती है, ज़ीरो से बड़ा और नॉट इक्वल्स टू वन। कभी भी अगर ऐसे आया एग्जांपल में लॉग ऑफ टू बेस वन, तो ये नॉट डिफाइंड है, बेस पे कभी भी वन नहीं हो सकता, लॉग के बेस पे कभी वन नहीं हो सकता, लॉग के बेस पे कभी निगेटिव नहीं जा सकता, लॉग ऑफ बेस माइनस टू, लॉग ऑफ फोर बेस माइनस टू, ये भी क्या है, ऐसा फंक्शन ऐसा लॉग वैल्यू इवैल्यूएट नहीं कर पाएगा, और लॉग ऑफ माइनस टू बेस एनी बेस ई भी हो, ये भी हमारे लिए क्या है, कंसिडरेबल नहीं है। नेगेटिव वैल्यू का लॉगरिथम पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं ले सकते, बेस पे वन नहीं हो सकता, बेस पे नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बेस लॉग के लिए ये रिस्ट्रिक्शन हमेशा फॉलो होंगी, इनको हमेशा ध्यान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, तो देखें बेस पे, तो बेस क्या है, ओके है, क्योंकि बेस क्या है, टू है, हमने बेस पे प्रॉब्लम कब होगी, जब यहाँ पर निगेटिव हो और वन हो, ये समस्या क्रिएट करने वाला है, तो बेस क्या है, ओके है, टू है। अब इसके एक्स को चेक करते हैं, तो एक्स प्लस थ्री, उसने बोला कि जो भी एक्स आएगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तो एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो, तो एक्स ग्रेटर देन हमेशा माइनस थ्री से वैल्यू ज़्यादा रखेंगे। अब ये फंक्शन होता तो इसकी डोमेन क्या होती, माइनस थ्री से ज़्यादा, ये फंक्शन अगर होता डिनोमिनेटर में तो माइनस टू और माइनस वन घटा के डोमेन होती। अब दोनों को ध्यान देना है, तो दोनों को ध्यान देने के लिए रियल लाइन बना लेते हैं हम लोग। ये बोला है कि माइनस थ्री से बड़ी वैल्यू लेना है, वो बोला है कि सारी वैल्यूज आप ले लीजिए, बट आप माइनस टू नहीं लेना है आपको, माइनस टू से आपको प्रॉब्लम है, और किससे, माइनस वन, दो वैल्यू से प्रॉब्लम है, बाकी किसी वैल्यू से उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो देखा जाए कॉमन वैल्यूज ली जाएँ, तो थ्री माइनस थ्री से बड़ी वैल्यू आ रही, उनमें से कौन सी वैल्यू हट जाएंगी, माइनस टू और माइनस वन, तो डोमेन हमारा क्या आ जाएगा, ओपन में माइनस थ्री टू इन्फिनिटी, उसमें हटा दीजिए क्या, दो वैल्यू, सिंगल वैल्यू ये, या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस थ्री से माइनस टू, यूनियन माइनस टू से माइनस वन, और यूनियन माइनस वन से इन्फिनिटी, दो तरीके से आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं दो इंपॉर्टेंट बातें सीखी कि कभी भी डिनोमिनेटर आए तो डिनोमिनेटर जब भी होगा वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, और लॉग की प्रॉपर्टी क्या सीखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कभी भी बेस जो है निगेटिव नहीं आएगा, वन नहीं हो सकता, और जो भी इसका एक्स होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो डोमेन ये सिखाती है कि फंक्शन कैसे वर्क करता है किन एक्स की वैल्यूज़ के लिए,
तो फंक्शन का बिहेवियर जानने के लिए डोमेन जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस लिहाज से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसी क्वेश्चन को उसके आगे हम लोग और ले जाते हैं, क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडुलस से अक्सर कर देखा गया है कि स्टूडेंट के साथ एक अजीब सी अनकंफर्टेबल वो रहता है, तो एग्जामिनर या जहाँ भी पेपर आता है तो ज़्यादातर उनकी कोशिश रहती है कि बीच में क्या लाया जाए, मॉड लाया जाए जिससे कि आप थोड़ा सा स्किप करें, ठीक है। तो उसी पर यहाँ पर क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन दी गई है और वहाँ पे मॉडुलस को इन्वॉल्व कर दिया गया है। पूछा गया कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब जो रूट्स आएंगे उन रूट्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, रूट्स पे काम करेंगे, उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस हमेशा क्या करता है, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। कैसी देता है वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। टू का मॉड हमेशा टू होगा और माइनस टू का मॉड भी माइनस टू के आगे क्या लग गया, माइनस टू हो गया। तो निगेटिव और पॉजिटिव कोई वैल्यू आप डालिए हमेशा कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव। तो यहाँ पर उसने काम किया तो ये बताया जा रहा है कि x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो x रहेगा और x लेस देन इक्वल टू जीरो है तो x के आगे क्या लगा जाए, माइनस। तो ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव था ही, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। लोग ये सोचते हैं कि जब माइनस लगाते हैं तो वो निगेटिव हो जाता, नहीं, निगेटिव तो ये था, ये कैसा था। अब निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए काम क्या काम करेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे आप, उसके आगे क्या रख देंगे, माइनस, ठीक है। तो माइनस रखने का रीज़न क्या था कि पॉजिटिव बनाया गया। मॉड हमेशा क्या करेगा, आइडेंटिफाई करता है कि पॉजिटिव वैल्यू है कि निगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करेगा, अगर माइनस रखा गया इसका मतलब क्या है, वो पहले निगेटिव था, ठीक। तो हम लोग यहाँ केस बनाएंगे, केस फर्स्ट लेंगे और केस सेकेंड लेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक्स को पॉजिटिव मान के चलेंगे तो मॉड एक्स की जगह सिंपली हम लोग एक्स रख देंगे। अब मगर हमने मॉड एक्स की जगह एक्स माना है तो पहले से अज्यूम कर लिया कि एक्स कैसा था, पॉजिटिव। अब हम लोग एक्स को पॉजिटिव ही कंसीडर कर पाएंगे, ध्यान रखें। तो अब हम लोग यहाँ पर एक्स, मॉड एक्स की जगह क्या रखने वाले हैं, एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस सिक्स, इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू, तो हमारे माइनस टू और थ्री। अब ये ध्यान दें कि पहले से हमने उन्हें कंडीशन क्या लगा रखी थी कि x निगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव, क्या मान चल रहे हैं। अब एक आया पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हमने अलाउ क्या किया था, पॉजिटिव के लिए कि निगेटिव के लिए, हाँ। तो हम इसको ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि ये हमारी कंट्राडिक्ट कर जाएगी पहले से ही। तो यहाँ पर एक रूट आया कौन सा, थ्री। अब दूसरा केस ले रहे हैं जब हम एक्स को निगेटिव मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, तो अब मॉड एक्स कैसा ऑपरेट होगा, अगर ऐसा खुल गया तो कैसा आ जाएगा, निगेटिव, तो उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस। तो अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस थ्री कि एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, बताइए, और एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो यहाँ आएगा एक्स बराबर थ्री और माइनस टू। तो अब वही बात सेम कि अब यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, एक ऐसी आई पॉजिटिव एक निगेटिव, तो हम कौन सी वैल्यू लेने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ पे कौन सी लेने वाले हैं, बोलो कौन सी लेने वाले भाई। अगर ये आपने बात बता दी तो इसका मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ कैसी लेंगे, x लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो, हाँ तो कैसी लेंगे, कौन सी, ये या ये, हाँ। तो सबको समझ आएगा निगेटिव लेने वाले, क्योंकि निगेटिव पहले से मान चले हैं कि ये काम तभी होगा जब निगेटिव होगा, तो निगेटिव ले ली, तो ये ले लिया और ये ले लिया, प्रोडक्ट कितना आया, प्रोडक्ट आप रूट सही है, एक था थ्री एक माइनस टू, तो टोटल कितना आया, माइनस सिक्स, आंसर आ गया, ये आंसर है, इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल था, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो इजीली लगा पाएगा, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो समझ ही नहीं पाएगा क्वेश्चन था क्या बेसिकली, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो एक क्वेश्चन और हम लोग लिमिट का देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट है, ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से इनमें से कौन सा निकल के आएगा आफ्टर द डिस्कशन। एक बात छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बताने वाला हूँ, सिंपल किसी भी अगर पूछा जाए कि नंबर और नंबर की कोई पावर हो
और पावर को हम इंक्रीज करते जाएं, पावर को क्या करते जाएं, इंक्रीज करते जाएं। तो किसी से पूछें कि किसी भी नंबर की पावर बढ़ाएं तो वो नंबर बढ़ेगा या घटेगा, तो सिंपल सा आंसर आता है पावर बढ़ाने पर नंबर बढ़ता है घटता है, बढ़ता है, सिंपल सा आंसर आता है कि बढ़ता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, 2 की पावर 1 किया तो 2 आया, 2 की पावर 2 किया तो 4 आया, 2 की पावर 3 किया तो 8 आया, ऐसे पावर का बढ़ाते जाएं तो नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ पर पावर बढ़ाने तो क्या नंबर बढ़ रहा है। अब 1 की पावर 1 करने पर 1 आ रहा है, 1 की पावर 2 करने पर 1 आ रहा है, 1 की पावर 3 करने पर 1 आ रहा है, देखा कि पावर बढ़ाई तो नंबर नहीं बढ़ रहा, बराबर ही है। अब हम देखें कि 0.1 की पावर 1 करें तो 0.1 आएगा, 0.1 की पावर 2 करेंगे तो 0.01 आएगा, 0.1 की पावर 3 करेंगे तो 0.001 आएगा। देखा गया नंबर की पावर बढ़ाने पर नंबर घट रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पावर बढ़ाने पर नंबर बढ़ता भी है और पावर बढ़ाने पर नंबर घटता भी है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट a की पावर x, पावर बढ़ाई गई, बढ़ाने का मतलब है इनफाइनाइट, और a अगर 1 से बड़ा है जैसे कि इस केस में, तो हमने देखा कि क्या आ गया, वो इनफाइनाइट, बढ़ के और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट a की पावर x, a 1 से छोटा है, तो यहाँ पे देखा हमने कि जैसे बढ़ा रहे तो नंबर छोटा हो रहा, छोटे का मतलब होता है ज़ीरो, क्या होता है ज़ीरो, तो क्या हो रहा है ये ज़ीरो। ठीक है, ध्यान रखें कि जब नंबर छोटा है उसकी पावर बढ़ाते हैं तो वो छोटा होता चला जाता है, मतलब ज़ीरो हो रहा है, और नंबर बड़ा है उसकी पावर बढ़ा रहे तो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम देखें कि ज़ीरो प्लस का मतलब है RHL, इस प्लस का मतलब क्या है, हमें RHL चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। अगर माइनस होता तो क्या चेक करते, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो प्लस है तो क्या चेक करनी है, RHL। अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस है तो क्या चेक करनी है, LHL। और लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो है इसका मतलब RHL और LHL बोथ, बात समझे कि नहीं, तीन स्टेटमेंट है। अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो है, लिमिट एक्सटेंड्स टू वन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू टू है, तो अभी LHL RHL दोनों चेक करनी है। प्लस लगा हुआ है ओनली RHL, माइनस लगा है हाँ, तो मतलब ये जीरो प्लस मतलब RHL चेक करनी है। अब ई को देखें तो ई क्या 2.7 है, मतलब 1 से बड़ा नंबर है, उसकी पावर इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट माइनस समथिंग इनफाइनाइट, और नीचे भी इनफाइनाइट, तो हमारा जो फॉर्म चल रहा है वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी चलता है हम लोग इन्फिनिटी को हटाते हैं, ये वन ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, ई की पावर 1/x कॉमन लिया तो 1 - 1/e की पावर 1/x, नीचे भी 1/e की पावर 1/x कॉमन ले लिया, 1 + 1/e की पावर 1/x, ये नंबर इससे कट गया। अब ये हमने बोला कि इनफाइनाइट है तो समथिंग 1/∞ कहाँ जाएगा, जीरो, तो ये क्या हो गया जीरो, ये भी क्या हो गया जीरो, ये जीरो जीरो, तो 1 - 0/1+0 आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, मगर हमने बोला कि आप और भी तरीके से कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट की वजह से हमने ये क्वेश्चन उठाया है। वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहाँ लिखा गया है, ये जगह पे लिखा हुआ है, आप इसको ज़रूर ध्यान दें, ज़रूर आप इसको ध्यान दें, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसको हम सर्कल कर रहे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड बेसिक है, मतलब बेसिक ऐसा, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, कैलकुलस का है, ये बेसिक बच्चे की लॉजिकल एबिलिटी या ज्योमेट्रिकली कितना वो स्ट्रांग है इसको चेक करने के लिए दिया गया। उन्होंने बोला कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागॉन ऑफ साइड 2√3, यानी हेक्सागॉन रेगुलर है इसका मतलब सारी भुजाएं क्या बराबर हैं, उसकी एक साइड कितनी दी गई है, इस साइड को लिया गया 2√3। हमने देखा है कि यहाँ पर अगर ये पूरा ये वाला जो डायगोनल है, इस साइड के हमेशा दोगुना होता है, अगर ये 2√3 है तो इसका जस्ट क्या होगा, डबल, तो हमने इसको आधा ले लिया, तो ये साइड और ये साइड, ये साइड मिलकर के बराबर हो गई, तो क्या बन गया हमारा, एक इक्वलेटर ट्राइंगल। तो इस पार्ट को हम ले लेते हैं, तो इक्वलेटर ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 3/4 साइड स्क्वायर, तो 3/4 साइड है 2√3 का होल स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2√3 मतलब 12 ना, 12√3/4 तो कितना आ जाएगा, 3√3। अब यहाँ पे एरिया ऑफ हेक्सागॉन, तो यहाँ पर एक साइड के द्वारा एक ट्राइंगल बन रहा है, तो कितनी 6 साइड्स हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का 6 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 3√3,
18 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। वेक्टर का एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर सिंपल जो क्वेश्चंस दिया गया है वहाँ पर ए बी सी ना लेके उन्होंने वी वन वी टू वी थ्री ऐसे क्रिएट किया जिससे कि बच्चे का क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के ही वो डर जाए। और सिंपल उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रोटेशन पर क्वेश्चन दिया है, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, मतलब अगर एंटी क्लॉक वाइज हम रोटेट करते हैं तो वैल्यूज़ क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बराबर होती हैं, और क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, अपोजिट साइन की हो जाती, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो हम लोग देखेंगे कैसे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वी थ्री से डॉट कर देते हैं, वी थ्री से डॉट किया वी वन क्रॉस वी टू को, तो यहाँ पर भी वी थ्री से डॉट हो जाएगा। तो हम लोग इधर देख लेंगे कि ये वी थ्री वी वन वी टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया, पहले वी थ्री आया फिर वी वन आया फिर वी टू आया, और ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर ऐसे वी थ्री का वी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वी वन से डॉट कर देते हैं, तो वी वन वी टू क्रॉस वी थ्री वी वन डॉट वी वन, तो ये आ गया वी वन वी टू वी थ्री इक्वल टू वी वन का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए अगर हम लोग लें वी वन फिर वी टू और फिर वी थ्री, तो ऑब्जर्व करेंगे वी वन बी वी थ्री वी वन वी टू वी थ्री वी वन वी टू और वी वन वी टू वी थ्री वी वन वी टू वी थ्री, तो ये रोटेशन सेम चल रहा है, यानी कि इम्प्लाइज हुआ वी थ्री वी वन वी टू इक्वल है वी वन वी टू वी थ्री। अगर ये इक्वल है तो इसके राइट हैंड साइड पे जो दिया गया वो भी इक्वल होगा, यानी वी थ्री का स्क्वायर वी वन के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर उनके मॉडुलस के स्क्वायर सेम है तो उनकी मॉडुलस वैल्यू भी क्या होंगी, सेम होगी, और मॉडुलस वैल्यू सेम होगी तो ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, अच्छे थे, सिलेक्टिव थे, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इन पार्ट्स को ज़रूर आप देखें, रियल में अच्छे क्वेश्चंस हैं, हॉनेस्टली आई एम सेइंग आप ज़रूर ऐसे क्वेश्चंस को ही करें, चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस करने हैं और किस लेवल करने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में सिलेक्टिव आए क्वेश्चंस, पहले आप चैप्टर को बेसिक कॉन्सेप्ट समझें। तो हम लोगों ने क्या किया कि हर चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं पार्ट वाइज, आप पहले उस समझ के प्रैक्टिस लेवल आपकी बुक से ले सकते हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी करें। हाँ, एक चीज़ और, हम लोग बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वेरीज आ रहे हैं कि बुक्स कौन सी सजेस्ट की जाएँ, कौन सी बुक फॉलो करते हैं, तो हम लोग स्पेशली इस पर ही हम लोग एक सेशन लेंगे कि एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान मटेरियल या बुक्स या किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, पूरे साल मटेरियल किस तरीके का होना चाहिए जिससे कि आप अननेसेसरी वर्डन से बचें और एक प्रॉपर वे में फोकस तैयारी कर पाएँ। बहुत सारे लोग पूछते रहते कौन सी बुक्स लें कौन सी बुक्स लें, एक बहुत बड़ा कन्वर्सेशन है, इस बात को हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।